मैंने कम कर दिया ये तो देखो मुझे ठीक है जी उधर नहीं अंगूर और कौन आ रहा है बड़े चक्कर लाए थे मैम इधर देख मैम 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 और कौन आ रहा है तुमने चलो ओके ये तो रुक लो जी देखो जी ठीक है देखो मेरे सामने ठीक है जी इससे आगे अगर आपने किसी को कहना होता है ऐसे नोबे बोलना घर में चलिए बाहर रखी हैं स्कूटियाँ अरे बंदे भी ऊपर बिठा के रखे थोड़ा रेखा जी हमारी संजीव मल्होत्रा जी हमारे बड़े परमित्र हैं और मीडिया और एजुकेशन दिव्यांग जनों के लिए जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई हैं उनमें से ये भी एक सुविधा है कि जो लोग चल नहीं सकते और वो अपने जीवन में अपने आप को पीछे ना समझे तो देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि दिव्यांग जन भी इस दुनिया की रेस में किसी से पीछे ना रहें अपना काम काज कर सकें अपने पांव पर खड़ा हो सकें किसी पर निर्भर ना रहें आत्मनिर्भर हों तो उसी के नाते आज हमने सांसद निधि से यहाँ पर कुछ स्कूटी जो हैं वो दिव्यांग जनों को बहनों को समर्पित की हैं ताकि वो अपना जीवन जो है वो सही से व्यतीत कर सकें अपनी रोजी रोटी भी कमा सकें और अपने आप को असहाय ना समझें मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर उनकी जो टीम और बाकी भी सहयोगियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने समय रहते ये पैसा जो है सांसद निधि से रिलीज़ करवाया है और इसकी हमने जो स्कूटी खरीदी है आज ये स्कूटी हमने लोगों को दे दी है तो लगभग 5 लाख रुपए की लागत से ये स्कूटी आई है और मैंने जब पूछा एक भाई हैं हमारे उनसे पूछा तो वो कहते मैं टेलर मास्टर दर्जे का काम करता हूँ और मुझे वहाँ अपनी दुकान तक जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था मैं मेटाडोर पर चढ़ता था तब समय लगता था मेटाडोर से उतरता था तब समय लगता था और फिर कई बार लोग धक्का दे देते उनको मालूम नहीं कि ये अपंग है मतलब दिव्यांग है तो इसलिए उन्होंने तो नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभार प्रकट किया है कि जिन्होंने ये योजना चलाई और आज इसका लाभ जो है उनको मिला धन्यवाद सांसद जी श्री जुगल किशोर शर्मा जी ने एमपी लाट से जो हमारे दिव्यांग जन जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए स्कूटीज़ के लिए हमें बताया था कि वो देना चाहते हैं इसके इच्छुक हैं तो हमने डिपार्टमेंट ने जो है वो प्रोक्योर किया स्कूटीज़ और आज सर ने यहाँ पे वितरित समारोह में कुछ दिव्यांगजन को स्कूटी दी है मैं सर का बहुत आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि इन्होंने जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको आज स्कूटी प्रदान की जो सच में नीडी थे जो प्रायोरिटी हाउसहोल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और उनको अपने डेली रोज़गार का भी इसमें जो है मदद मिलेगी और दिन प्रतिदिन में जो उनकी रहता है जैसे कहीं जाना आने जाने में उनको मदद मिलेगी क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे इंडिपेंडेंट होके इन स्कूटीज़ का फ़ायदा उठा सके मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और इसके लिए